अंबरनाथ नगर परिषद की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा आम लोगों के सरों पर मंडरा रहा है। शिकायत देने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कई सालों से अंबरनाथ पश्चिम के गांवदेही मंदिर और न्यू बालाजी नगर के श्यामा हॉस्टल के पास दोनों नालों पर लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी रेलिंग या दीवार नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर आम जनता और स्कूली बच्चों को भारी बारिश में जाने से डर लगता है। क्योंकि गांवदेही मंदिर के पुल पर 2 साल पहले एक कार गिर गई थी और उसी तरह से न्यू बालाजी नगर श्यामा हॉस्टल के पुल से एक छोटा बच्चा बह गया था, जिसको बचाने के लिए लोगों ने नाले में छलांग लगाई थी, मगर उससे कोई बचा नहीं पाया। यहाँ तक कि आज तक उसकी लाश भी नहीं। ऐसे दोनों हादसों से सिर्फ नगर पालिका ही आम नागरिकों को बचा सकती है। जैसे तहसीलदार कार्यालय के सामने नाले पर जाली लगाई गई है, वैसे ही अगर सभी नालों पर जाली या रेलिंग लगाई जाए तो ऐसे हादसों से बचाया जा सकता है और नाले में लोगों का कचरा भी फेंकना बंद हो सकता है। प्रशासन से जनता को उम्मीदें बहुत सारी। बताया जाता है कि जूना बालाजी नगर के बिलाल शेख में 2 साल से अर्जी दे रहे हैं। उनके घर के पास भी एक नाला है जो हर साल बारिश में फुल हो जाता है और नाले का पानी घरों में घुसता है, जिसकी वजह नाला टूटा होने की। बताया जाता है कि बिलाल शेख ने बहुत सारी अर्जियां की है पर प्रशासन सुनने को तैयार है। अंबरनाथ नगर पालिका प्रशासन अगर एक्शन में आ गई तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है और अपघात भी टल सकते हैं। प्रशासन से आशा है कि लोगों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए जल्दी से जल्दी नालों के अतराफ में रेलिंग या दीवार लगाई जाए। नाम फारूक शेख है, मैं न्यू बालाजी नगर में रहता हूँ। ये बहुत साल पहले और बहुत साल हो चुके हैं, ये नाले को कुछ सपोर्ट नहीं है और नाले को कुछ सपोर्ट दे रहे भी नहीं है। और कुछ पहले लोकर लगाए थे लेकिन वो चोरी हो गए, उसके बाद उन लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ साल पहले एक लड़का छोटा बच्चा इधर से गिर के मर चुका है, आज तक उसकी बॉडी मिली नहीं है, लेकिन प्रशासन और शासन कुछ ध्यान दे रहे नहीं है। और ये बालाजी नगर में जो पूरे रास्ते हैं लोगों ने पूरा ऐसा आगे सब बढ़ा के रखे, उसमें गाड़ी आने का प्रॉब्लम है और आदमी को चलने का भी प्रॉब्लम है। तो ये वजह से मैं शासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो जल्द से जल्द हमारी गुजारिश सुनिए और ये जो साइड में जो रेलिंग है उसको या तो रेलिंग लगाइए या तो उसको दीवार छोटी सी एक दीवार लगाइए कि रात में कोई गाड़ी आती है। एक्चुअली एक बार एक गाड़ी भी अंदर गिर चुकी है, कार ओला वाली कार गिर चुकी है, हम लोग ने उसको कैसे निकाले तो वो नए बिना सपोर्ट के गिरी है वो। तो आज मैं वो प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर छोटी सी एक दीवार खड़ा कीजिए। हमारे नाले में ना यहाँ पर कोई ब्रिज पे ना हमारा कोई साइड में ये नहीं लगाया, वॉल नहीं लगाया, दीवार नहीं लगाया, तो कोई भी गाड़ी वीडी आएगा तो उसको एक्सीडेंट हो जाएगा या नीचे उतरेगा। इसके वजह से हमको दोनों साइड में ये चाहिए, क्या बोलते हैं लगाने का, जो भी बोलते हैं ना वो लगाने का। और ये पानी का जो है ना समस्या, थोड़ा पानी अगर जमा होता है उसके लिए भी थोड़ा ठीक करने का इसको पूरा पानी, बाकी मट्टी वट्टी पूरा साफ करवा के लेंगे। म्यूनसिपालिटी को बोलने का ध्यान दो कैसा हो गया, ब्रिज कैसा ही है, ब्रिज लग रहा है किसी भी कंडीशन में, पूरा रोड के अंदर में पूरा मट्टी, ये कॉन्क्रीट का रोड बनाने का था, इतना भी बनाया, हल्का हल्का काम किया, इधर भी कुछ काम नहीं किए लोग ने, पूरा हल्का हल्का काम करके उधर कॉन्क्रीट का रोड बनाने का, ये सब पूरा ब्रिज साफ करके पूरा अच्छे से एक ब्रिज जैसा बना के रखो इसको।